दोपहर के सत्र में हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल एसपी ग्रुप ट्रॉफी आप एंजॉय कर रहे हैं। 2021 का पर्व आप एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं मैदान के ऊपर। इस प्रतियोगिता के आयोजन करता साईनाथ दादा पाटिल, रवि पाटिल, युक्ति पाटिल, शक्ति पाटिल और पिंटू पाटिल, उनकी ओर से यहाँ पर आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन आप मैदान के ऊपर देख रहे हैं और मुकाबला चलता हुआ तो ताकतवर टीम के बीच में एक तरफ पे जय हनुमान दातिबली टीम और दूसरी तरफ पे रुद्र इलेवन रणवीर इलेवन अड़िबली टीम। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज से कहते हैं दातिबली टीम सलामी जोड़ी, सलामी बल्लेबाज मैदान को बनाते हुए जय हनुमान दातिबली टीम की सलामी जोड़ी निवृत्ति और जय साथ है। साइकिल के ऊपर निवृत्त रहेंगे और साइकिल ऊपर जयेश और पहले गेंदबाज यहाँ पर आते हुए पहला ओवर लेकर अड़िबली टीम की ओर से सुनील भाने आते हुए पहली ओवर लेकर बिल्कुल जाते हैं मैदान के ऊपर। दोनों टीम को हम शुभकामना देंगे। विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम। शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। बिल्कुल बैट ने अंदरूनी किनारा लिया था लेकिन शॉर्ट टर्मिनल में खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, पहुंच नहीं पाएंगे। एक रन बटोर लिया बल्लेबाज वहां पर निवृत्त ने। टीम का निजी खाता ओपन कर दे एक रन से बल्लेबाज निवृत्ति। बहुत ही बड़ा मुकाबला, जीतने वाली टीम सीधा जाएगी क्वार्टर फाइनल में। बिल्कुल फाइट करेगी गाउदी भी बसा टीम से लेकिन वो टीम कौन सी होगी यहाँ पर अभी भी मुकाबला शुरू। पहले सत्र का खेल शुरू है मैदान के ऊपर दो ताकतवर टीम के बीच में। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार सुनील इस बार टॉप एज लगता है। फिर से एक बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कैच लेने की कोशिश लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। उठाएंगे गेंद को, फेंकेंगे तब तक फिर से एक बार दो रन का इजाफा होता है। बल्लेबाज वहां पर थे बिल्कुल जयेश से, जयेश से बल्ले से यहाँ पर दो रन निकलते हुए टीम का स्कोर बनता है। तीन रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर पे का ओवर शुरू है। बिल्कुल एक ओवर होगा पावर पे का। गेंदबाज तैयार, फिर से बार सुनील बाने राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑप्शन से थोड़े से बाहर निकले थे, शॉट खेला बिल्कुल स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी वापस थे लेकिन गलती करते हुए गेंद जाएगी सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका था बल्लेबाज करते हुए जय हनुमान दातिबली टीम के लिए चौका। सचिन पाटिल नेवाले के उनका शुभागमन होता है, उनका बयान तेजी से स्वागत करना चाहेंगे। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, सीधा जाते भी विकेट के ऊपर दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। सचिन पाटिल से भी विनती करना चाहूंगा आप मंच के ऊपर आइए, इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपका भी तेजी से स्वागत करना चाहूंगा। चलते मैदान के ऊपर, फिर से एक बार डॉट गन की समाप्ति भी, टीम का स्कोर बनेगा यहाँ पर चौकी की मदद से 7 रन अब तक बने यहाँ पर जय हनुमान दातिबली टीम का स्कोर। सुनील भाने पिछले एक बात है राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद जाते भी सीधा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और बिल्कुल गेंद जाते भी बाउंड्री लाइन के बाहर। एक्स्ट्रा कवर के बाहर आता बा बल्लेबाज जयेश के बल्ले से शानदार छक्का डीजे। शॉट लगाया बल्लेबाज वहां पर जयेश ने, इनसाइड आउट का शॉट और 6 रन बटोरे, टीम का स्कोर बनेगा तेजी से बढ़ता हुआ बिल्कुल 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। इस गेंद की, इस ओवर की गेंदें फेंकी गई, 5 आखिरी गेंद शेष होगी इस ओवर की। गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार सुनील बाले राइट आर्म ओवर द विकेट, पीछे बैक बढ़िया स्ट्रोक गैप शॉट सिलेक्शन, गेंद जाएगी पीछे एक बार कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी दिखाते हुए बल्लेबाज जयेश के बल्ले से और एक शानदार चौका आता है अपने टीम के लिए और टीम का स्कोर पहुंचता है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान दातिबली टीम का स्कोर बनेगा स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 17 रन बटोरे पहले ओवर में। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज जयेश ओवर नंबर फर्स्ट समाप्त।
तो बिल्कुल यहाँ पर ओवर नंबर फर्स्ट गॉन पहले ओवर का खेल समाप्त हो तो टीम का स्कोर बने लगा 17 रन बन चुके पावर पे इस बार समाप्त होगा और अगला ओवर गेंदबाज आते हुए अगली ओवर लेकर विजय पवार बहुत ही बड़ा नाम आरडब्ल्यू टीम के खिलाड़ी है पहले गेंद लेकर तैयार विजय और द विकेट इस बार आधे बल्ले से खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती भी गेंद उनको चीरती भी जाती लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर और एक शानदार चौका दबा बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान दांतीवली टीम के लिए चौका। बात का स्वागत करते हुए वेलकम टू द ग्राउंड चार ओवर का मुकाबला बिल्कुल पहले ओवर में पावर पे में 17 रन बटोरे बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान दांतीवली टीम ने अब की बार यहां पर पहले गेंद के ऊपर चौका लगाते हुए बल्लेबाज निवृत्ति फिर से बार फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ पे खेलते हुए गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक एक रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ जानते जय हनुमान दांतीवली टीम के खिलाड़ी भी बिल्कुल आरडब्ल्यू टीम के सामने एक बड़ा टारगेट खड़ा करना पड़ेगा टीम का स्कोर बनेगा यहां पर 22 रन बन चुके गेंदबाज तैयार इस बार अच्छी गेंद थी बैट का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद जाते भी गली के क्षेत्र में मिलेगा एक रन टीम का स्कोर बनेगा 23 रन चार ओवर का मुकाबला जीतने वाली टीम सीधा जाएगी क्वार्टर फाइनल में फाइट करेगी बिल्कुल गाउदे भी बसा टीम से बहुत ही बड़ा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ और विकेट इस बार गति परिवर्तन चेंज ऑफ पेस किया हल्के हाथों से गेंद को ढकेला लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते हुए दूसरे रन की कोशिश की थी लेकिन यहां पर अच्छी थ्रो आते भी एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम का स्कोर बनेगा इसी एक रन की मदद से 24 रन के 24 रन बन चुके अब की गेंदे फेंकी गई बिल्कुल इस ओवर की चार गेंदे फेंकी विजय ने पहले गेंद के ऊपर चौका खर्च किया उसके बाद में अच्छा कमबैक दिखाते हुए अपने टीम के लिए इस बार तिलक रत्न दिशांग की तरह खेलना चाहते थे पीछे खेलना चाहते थे फाइनली की तरफ लेकिन शॉट सिलेक्शन हुआ नहीं डाउन बॉल की समाप्ति होते भी ऑप्शन से थोड़े से बाहर निकले थे बल्लेबाज संपर्क नहीं बना पाए डाउन बॉल की समाप्ति होते भी अच्छी वापसी अपनी टीम के लिए करते हुए गेंदबाज विजय पवार आखिरी गेंद इस ओवर की सेकंड के ऊपर बल्लेबाज जयेश मात्रे जिन्होंने पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की थी दो चौके दागे थे एक छक्का भी दागा था अपने टीम के लिए 17 रन बनाए थे पहले ओवर में अब की ओवर में पहले गेंद के ऊपर चौका आया उसके बाद में यहां पर विजय ने क्या वापसी की तर बैंडेज पाइजेगा यस बैंडेज घेऊन जा मैदानापति जायचं लगेच तुझी दुखापत असेल खेळाडूला तर आपण लगेच जा स्पीड अप कर जरा तो टीम का स्कोर रुकता हुआ यहाँ पर 24 के ऊपर चलते डीजे मास्टर गणेश की तरफ डीजे
उसके बाद में सिंगल, उसके बाद में पीछे एक बार तीसरी गेंद के ऊपर भी सिंगल, चौथी गेंद के ऊपर भी सिंगल और पांचवी गेंद आती भी डॉट, आखिरी गेंद इस ओवर की गेंद बात तैयार। फुल टॉस गेंद और अंपायर का इशारा आएगा नो बॉल का, गेंद जाती भी सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, नो प्लस छह यानी कि मिलेंगे 7 रन। डीजे और हाइट फैक्टर भी दी, बिल्कुल बीमर बॉल का इशारा था अंपायर का और टीम का स्कोर बनेगा 31, 31 रन बन चुके हैं। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, गेंदबाजी करते हुए वापसी भी की थी विजय पवार ने, लेकिन आखिरी गेंद खराब पे की, फिर हिट की एक गेंद थी लेकिन यहाँ पर संपर्क हुआ नहीं, बिल्कुल डाउन बॉल की समाप्ति होती हुई, दो ओवर की समाप्ति भी का, टीम का स्कोर बनेगा जय हनुमान। दातीवली टीम जहां पहुंची है जयेश और निवृत्ति के बल्लेबाजे पर यहां पर 31 बनाए, 31 रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 12 गेंदें शेष होंगी इस मुकाबले में। मुकाबला बहुत ही बड़ा दोस्तों, उतनी बड़ी प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं, एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2021 का पर्व आप देख रहे हैं, आयोजन करता है इस प्रतियोगिता के साईनाथ पाटिल, रवि पाटिल, युक्ति पाटिल, शक्ति पाटिल और पिंटू पाटिल और निशांत तेलेपन क्रिकेट टीम मंगरूल टीम, बिल्कुल इनके ओर से आप इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं। टेन क्रिक के माध्यम से यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट भी शुरू है, बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से कई दर्शक भी ऑनलाइन इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, आप स्टैंड देख रहे हैं स्वर्गीय बालू भाई गजानन पाटिल स्टैंड, उसके बाद में होंगे स्वर्गीय भावना साईनाथ पाटिल स्टैंड, उसके बाद में होगा स्वर्गीय हौसाबाई रघुनाथ पाटिल स्टैंड। अच्छी प्रतियोगिता, क्षेत्रीय मैदान के ऊपर पीछे एक बार तीसरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज आते पे गेंदबाजी के ऊपर, भूषण आते पे गेंदबाजी के ऊपर, सेकंड पे बल्लेबाज होंगे सलामी बेर्रा निवृत्ति ऑन स्ट्राइक, टीम का स्कोर बनता हुआ 31 रन बन चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी की जयेश और निवृत्ति ने अपनी टीम के लिए, गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट, इस बार पहली गेंद सोवर डिलीवरी यहां पर देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल गति परिवर्तन, पहले गेंद के ऊपर यहां पर चकमा देते हुए बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद डॉट बॉल की समाप्ति होते हुए निवृत्त यहां पर बीट हुए बल्लेबाज, अच्छी गेंद यहां पर फेंकी गई थी, पहली गेंद अच्छी फेंकते हुए डॉट फेंकते हुए गेंदबाज भूषण तैयार फिर से एक बार राउंड द विकेट। उल्टा गेंद और यहाँ पर गेंद जाते भी शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शॉट कवर की दिशा में, लेकिन अंपायर का कोई भी इशारा नहीं गया, बिल्कुल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रिव्यू लेते हुए हमारा अंपायर चेक किया जाएगा, ये बॉल हाइट फैक्टर का है नहीं, बिल्कुल नो बॉल है या नहीं है ये चेक किया जाएगा। हमारे तीसरे अंपायर आइए अब प्रशांत सहस्त्री बुद्धे पर सर यहाँ पर चेक करेंगे हाइट फैक्टर की गेंद यहाँ है या नहीं, बिल्कुल यहाँ पर नो बॉल है या नहीं ये बताया जाएगा। तो चेक किया जा रहा है बिल्कुल टीवी स्क्रीन के ऊपर, हमारे अंपायर यहाँ पर प्रशांत सहस्त्रबुद्धे और राकेश पाटिल भी वहां पर मौजूद है, चेक किया जा रहा है बीमर बॉल है या नहीं है ये बताया जाएगा आपको। क्लोज डिसीजन है दोस्तों, बिल्कुल चेक करें हमारे अंपायर और हमारे अपडेटर्स वहां पर हैं, भावेश मुंडे, रोहित मात्र भी वहां पर होंगे, बिल्कुल चेक किया जा रहा है बीमर बॉल है या नहीं है, नो बॉल का इशारा नहीं आया था अंपायर का द्वारा, बिल्कुल अब यहां पर रिव्यू लिया गया है और चेक कर रहे हैं हमारे अंपायर। तीसरे अंपायर प्रसाद सर वहां पर मौजूद होंगे, राकेश पाटिल भी हमारे
तो बिल्कुल नहीं है, चलिए नो बॉल नहीं है, मुकाबले को शुरू कीजिए। बिल्कुल इस गेंद के ऊपर एक ही रन मिलेगा, टीम का स्कोर बनता है 32 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआत अच्छी की, पहले गेंद डॉट पे की, दूसरे गेंद के ऊपर सिंगल कच किया गेंदबाज भूषण ने, सेकंड के ऊपर बल्लेबाज आते हुए अब की बार स्ट्राइक रोटेट हुई, बल्लेबाज जयेश आते हुए सेकंड के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए, राउंड द विकेट इस बार सफल हुए, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर निकले, जगह बनाए हुए, गेंद को भेजा सीधा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा था बा वन बाउंस इनटू द पैंस फोर रन या था बा दातिपुरी टीम के लिए चौवा। छू भी नहीं सकता, मैं खतरनाक ब्रांड हूँ, किसी से मुकाबला करने के लिए अप्पा पाटील यांना देखील विनंती करेल आपण व्यासपीठापती या आपलं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। चलते मैदान के ऊपर छक्का या चौवा या बल्लेबाज वहां पर जयेश के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी दुकामत भी हाथ में बल्लेबाज जयेश को, लेकिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में भी बिल्कुल एक छक्का लगाया था, जो चौबे लगाए थे और बिल्कुल दो छक्के लगाए थे, दो चौबे लगाए थे, 17 रन बटोरे थे और आपकी गेंद के ऊपर स्ट्राइक मिला, फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाते हुए चौवा बटोरते हुए अपने टीम के लिए। गेंदबाज तैयार भूषण, फिर से एक बार राउंड द विकेट, इस बार फिर से एक बार ऑप्शन से बाहर निकले थे, लेकिन भी गेंद भी जाती हुई ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा था व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल करा देते भी इस गेंद को, अतिरिक्त रन मिलेगा, टीम का स्कोर बनेगा निजी, यहां पर रन बनते हुए 37 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान दातिपुरी टीम का स्कोर। चलिए अंपायर से कोई भी शिकायत मत कीजिए, मैं गुंजाइश करना चाहूंगा, बिल्कुल सूचित करना चाहूंगा आरडब्ल्यू टीम के खिलाड़ी को, अंपायर से कोई भी शिकायत मत कीजिए, अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन आखिरी निर्णय होगा जो हमारे अंपायर द्वारा आया है, व्हाइट बॉल करार दी जाएगी इस गेंद को, अतिरिक्त रन मिलता है 37 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, फिर से एक बार तैयार गेंदबाज भूषण ऑन, फिर से एक बार गेंदबाजी में तैयार, सेकंड के ऊपर जयेश ऑन स्ट्राइक, तेजी से रन बढ़ते हुए क्या यहां पर वापसी करेंगे टीम के लिए गेंदबाज भूषण अपने टीम के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद, ऑप्शन से बाहर निकले, फिर से एक बार जगह बनाई स्ट्रोक के लिए और गेंद जाती भी सीधा वांडी स्ट्रॉन्ग ऑन बाउंड्री लेके बाहर, और एक शानदार छक्का था बल्लेबाज जयेश के बल्ले से 6 रन। सर गणेश से विनती करना चाहूंगा हिंदी सॉन्ग प्ले कीजिए, बिल्कुल हिंदी कॉमेंट्री चल रही है, दोपहर का वक्त है और हिंदी सॉन्ग्स आने चाहिए। छक्का था बल्लेबाज वहां पर जयेश के बल्ले से, क्या शानदार बल्लेबाजी, राउंड द विकेट, अब की बार गेंद अंदर आते हुए गेंद को ड्राइव किया हल्के हाथों से, गेंद के ऊपर खिलाड़ी आते हुए, खिलाड़ी जब तक पहुंचेंगे गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज जयेश को, टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता, अब यहां पर वापसी नहीं की, बिल्कुल ज्यादा रन खर्च करे अडोली टीम के खिलाड़ी, टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल 44। राउंड द विकेट से तैयार, फिर से एक बार भूषण सेकंड के ऊपर बल्लेबाज निवृत्ति, अब की बार इस बार अच्छी गेंद जाते भी विकेट के ऊपर के स्थानों में, डॉट बॉल की समाप्ति होते भी ओवर नंबर थर्ड गॉन, तीसरे ओवर का खेल भी समाप्त होते, तीसरे ओवर में भी आई यहाँ पर ज्यादा रन खर्च के, पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में आए विजय के 14 रन और अब की ओवर में यहाँ पर 13 रन खर्च के गेंदबाज भूषण ने भी महंगी गेंदबाजी, टीम का स्कोर बनता बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन, आखिरी ओवर यहाँ पर शेष होगा टीज है।
पांच गेंद पे की आखिरी की गेंद इस ओवर के शेष होंगे। बल्लेबाज स्ट्राइक गेंद के ऊपर जिन्हें दो छक्के लगाए वही रोहित ऑन स्ट्राइक आखिरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार गेंद को देखना पड़ेगा, बिल्कुल हमारे अंपायर हम पे इशारा करते हुए व्हाइट बॉल का अतिरिक्त रन मिलता है, टीम का स्कोर बनेगा बिल्कुल यहाँ से 59 रन बन चुके अच्छे बल्लेबाज की बल्लेबाजी करते हुए जहां नमान दातुबली टीम के खिलाड़ी इन्होंने राउंड द विकेट। फिर से एक बार अतिरिक्त रन मिलता हुआ आउटसाइड डी ऑप्शन गेंद थी, ऑप्शन से बाहर निकली थी, अंपायर द्वारा फिर से एक बार इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल करार देती हुई इस गेंद को टीम का स्कोर बनेगा 60 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर अब लग चुके हैं, फाइटिंग टोटल स्कोर यहां पर खड़ा किया जा रहा है बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए दातुबली टीम की ओर से राउंड द विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक हेलीकॉप्टर शॉट लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद अच्छी कैच रही और आखिरी की गेंद पे ऊपर विकेट आता हुआ पहले चार ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए जय हनुमान दातुबली टीम ने बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर दो विकेट के नुकसान पर यहां पर तीन विकेट के नुकसान पर बनाए बिल्कुल 60 रन और 61 रन का लक्ष्य होगा जीत के लिए रुद्र 11 रणवीर 11 अडबली टीम के सामने डीजे। तो पहले सत्र का खेल समाप्त होता है बिल्कुल बल्लेबाज की जय हनुमान दातुबली टीम ने बल्लेबाजी करते हुए बनाए 60 रन 61 रन का टारगेट लेके सलामी जोड़ी सलामी बल्लेबाज आते हुए मैदान के ऊपर रुद्र 11 रणवीर 11 अडबली टीम के खिलाड़ी सलामी जोड़ी 15.25 की औसत बरकरार रखनी पड़ेगी मुकाबला जीतने के लिए रुद्र 11 रणवीर 11 अडबली टीम के बल्लेबाजों को। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज आते हुए विजय पवार साइकिल के ऊपर होंगे और नॉन साइकिल के ऊपर होंगे
करण आते हुए बिल्कुल पहले मुकाबले में आज आए थे, अब की बार यहाँ पर करण को भेजा गया है क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। शुरुआत से यहाँ पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, पावर पे में अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। पहले गेंदबाज तैयार, पहला गेंद यहाँ पर उठा है, लॉक्ड स्ट्रोक, सीधा गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ के बाहर, आक्रामक शुरुआत करते हुए अपने टीम के लिए विजय पवार के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। के लिए छक्का बटोरा अपने टीम के लिए, गेंदबाज तैयार, फटकी भी गेंद आड़े बल्ले से खेला, बिल्कुल गेंद को फेंका, जानते थे विजय पवार इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा और यहां पर बड़ा शॉट होता हुआ विजय पवार की बल्ले से और एक शानदार सोख, शानदार छक्का। इस साल में विजय पवार भी बहुत फॉर्म में दोस्तों, और फॉर्म दिखाते हुए बल्लेबाजी करते हुए क्या आक्रामक शुरुआत की। पहले गेंद के ऊपर छक्का लगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, अब की बार मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का था बल्लेबाज विजय पवार के बल्ले से। टीम का स्कोर बनेगा पहली दो गेंद के ऊपर 12 रन बटोरे विजय पवार ने अपनी टीम के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत, मैंने पहले एक बोला बिल्कुल मुकाबला जब शुरू होने जा रहा था तभी मैंने कहा कि शुरुआत से यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे अड़ूल टीम के खिलाड़ियों को। गेंदबाज तैयार, इस बार और एक शानदार स्ट्रोक, गेंद जाती भी सीधा आसमान में, बिल्कुल तारामंडल में जाती भी गेंद को भेजा विजय पवार ने 6 रनों के लिए 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक लगा दोस्तों, सीधा गेंद आसमान की तरफ जाती भी, बढ़िया स्ट्रोक, बल्लेबाज विजय पवार ऑन फायर, पहली तीन गेंदे और लगातार तीसरा छक्का भी आता था विजय पवार के बल्ले से। टीम का स्कोर बनेगा, मैंने कहा था 15.25 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, औसत बरकरार रखनी पड़ेगी और बिल्कुल यहां पर आप तीन गेंदे पे किए और 18 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, भले बढ़िया बल्लेबाजी विजय पवार के द्वारा। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीधा बैकवर्स पर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, चौका। बाजी आप करते हुए विजय पवार टीट पॉट टैट, अगली गेंद इस बार भी यहां पर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, रन नहीं रुक रहे विजय पवार की बल्ले से निकलता था और एक शानदार स्ट्रोक और एक चौका था आरडब्ल्यू टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी। भी डबल नहीं है, एक भी डॉट बॉल नहीं गया है, 26 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, क्या उमदा बल्लेबाजी करे मैदान के ऊपर विजय पवार, और एक शानदार स्ट्रोक, बिल्कुल गेंद जागी फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के बाहर, विजय पवार ऑन अ फायर 6 रन। कुल मिला के बिल्कुल 61 रन बनाने 4 ओवर में, और पहली ओवर में क्या शानदार बल्लेबाजी, पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर भी छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर भी छक्का, 3 छक्के लगाए, उसके बाद में 2 चौवे लगाए और आखिरी गेंद के ऊपर भी छक्का आता था, कुल मिला के 32 रन बटोरे इस ओवर में बल्लेबाज विजय पवार ने।
तर साजन वाडेल यांचं देखील शुभ सन्मान गरज आहे. साजन पावशे साहेबांचा देखील शुभ सन्मान गरज आहे. आमच्या व्यासपीठावरती साईनाथ दादा पाटील यांना विनंती करत आपल्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान आपण करावा. तर साजन पावशे साहेबांचा देखील आम्ही शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती. तैयार फिर से एक बार मनोज आते हुए स्वीच चीट खेलने का प्रयास किया. रिवांस का प्रयास करते हुए बल्लेबाज करें लेकिन बल्ले पर गेंद का कोई भी संपर्क नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई टीट पॉट टैंड बिल्कुल क्या बल्लेबाजी की विजय पवार ने. नए गेंदबाज आते हुए मनोज टीम को बनाने जीत के लिए 61 रन 32 रन लग चुके स्कोर कार्ड के पर आधार सत्य क्या बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए रुद्र 11 रणबीर 11 आड़े टीम लेकिन बात तैयार. करण के लिए गेंद थी आड़े बल्ले से केला खिलाड़ी वहां पर माजो स्कोर लेने की दिशा में तेजी से आएंगे लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ दूसरे रन की कोशिश की और दूसरा रन भी तेजी से मुकम्मल करते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ रन नहीं रुक रहे 34 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. क्या बढ़िया बल्लेबाजी की विजय पवार ने इंप्रेस किया सबको मनमोहित करने वाले बल्लेबाजी की विजय पवार ने सभी गेंद के ऊपर बड़े शॉट लगाए और टीम को अच्छी यहां पर स्कोर के ऊपर पहुंचाते भी विजय पवार. गेंदबाज तैयार फिर से एक बार मनोज बुलडॉग्स गेंद सामने की तरफ खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑफ में आते हुए गेंद को उठाएंगे पिकेंगे तब तक मिलता हुआ एक रन. एक करना चाहिए बिल्कुल एक रन से संतुष्ट भी करण क्योंकि स्ट्राइक देनी चाहिए बल्लेबाज विजय पवार को जिनमें क्षमता है बड़े शॉट लगाने की और पहले ओवर में 32 रन बनाए अपने टीम के लिए. आपकी बार भी स्ट्राइक के ऊपर आते हुए विजय पवार टीम का स्कोर बनता हुआ 35 35 रन बन चुके स्कोर कार्ड के बाद आधा रस्ता तय किया है बल्लेबाजी करते हुए रुद्र 11 रणवीर 11 आरडब्ल्यू टीम ने. गेंदबाज तैयार मनोज फिर से एक बार क्या वापसी करेंगे अपने टीम के लिए विकेट चटकाएंगे ये बड़ा सवाल और गेंद ऊंचाई ज्यादा लेती भी खिलाड़ी दूर रहेंगे आगे पहुंचेंगे और कैच को लिया गया बिल्कुल यहां पर लौटना पड़ेगा बल्लेबाज विजय पवार को. विजय पवार के पारी का अंदर दबा पहला झटका लगेगा बल्लेबाजी करते हुए रुद्र 11 रणबीर 11 आरडब्ल्यू टीम को. बल्लेबाज विजय पवार बैक टू द ग्राउंड. खेलना चाहते थे लेकिन विजय पवार के लिए तालियां बजाई जा रही है क्योंकि अच्छे बल्लेबाजी की विजय ने बिल्कुल 32 रन का योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन अब की बार आउट. मैंने पहले कहा था बिल्कुल वापसी करेंगे गेंदबाज मनोज अपनी टीम के लिए क्या विकेट लेंगे विकेट चटकाएंगे और विकेट आते भी विजय पवार की. अब मुकाबला दोस्तों होगा यहाँ पर अभी भी जीत के लिए 35 रन बन चुके 26 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए. गेंदबाज तैयार करण के लिए गेंद थी बढ़िया सोग यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती भी सीधा जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर रन नहीं रुक रहे बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी हो रही है रुद्र 11 रणवीर 11 आरबीआई टीम की ओर से करण के बल्ले से शानदार चौका. बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है आपकी बार भी अच्छा स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर और कैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा. कैच लेनी चाहिए थी कैचेस इन द मैचेस लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप हुआ मिलते हुए 2 रन बिल्कुल ओवर नंबर दूसरा भी समाप्त हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहले ओवर में आए 32 रन और आपकी ओवर में मनोज ने अच्छी गेंदबाजी की यहां पर एक चौका खर्च किया लेकिन विजय को बात किया 9 रन खर्च के टीम का स्कोर बनता था 41 रन बन चुके अभी भी जीत के लिए चाहिए यहां पर 20 रन की आवश्यकता आने वाली 12 गेंद और 20 रन की आवश्यकता मुकाबले में. डीजे गणेश
राहिला असेल तर बघा अजूनही जेवणाची व्यवस्था तिथे केली जाती आहे, अजूनही जेवण मित्रांनो सुरू आहे, तर आपण जेवढ्याचा आनंद घ्या। जबरदस्त स्पर्धा आपण पाहतोय त्या ठिकाणी साईनाथ पाटीलांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय एसपी ग्रुप चषक 2021 चं पर्व, आणि आज आणि उद्या देखील प्रेक्षकांसाठी जेवणाची मेजबानी असेल। तो चलते हैं मैदान के ऊपर। 12 गेंदों पर अब जीत के लिए समीकरणों का 20 रन की आवश्यकता। मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाते हुए यहां पर रुद्र 11, रणबीर 11 आने वाली टीम, जिनके सर्वे सर्वा बिल्कुल हमारे राकेश पाटिल पुरस्कर्ता इस टीम के। 12 गेंदों और 20 रन की आवश्यकता। गेंदबाज आते हुए तीसरे ओवर में अनिकेत स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज अजय पाटिल बाहर के बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में। राउंड द विकेट, इस बार नो का इशारा आएगा, बिल्कुल हार्ड फैक्टर की गेंद थी और वहां पर खिलाड़ी आएंगे तब तक दो रन भी मुकम्मल किया है, यानी कि 9+2 मिलेंगे 3 रन। 3 रन मिलते हुए टीम का स्कोर बनेगा, तेजी से रन कम है और अतिरिक्त रूप से खर्च किए जाने बिल्कुल लज्जे हनुमान दातुली टीम की ओर से। टीम का स्कोर बनेगा इसी 3 रन की मदद से 44। फुल टॉस गेंद और यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, बिल्कुल फील्ड की गेंद थी, बैकवर्ड स्कोरिंग की दिशा में गेंद को उठाएंगे पिकेंगे, एक क्रम बटोर लिया, 45 रन बन चुके, अच्छी बल्लेबाजी, रन नहीं रुक रहे क्योंकि विजय पवार ने शानदार शुरुआत दी अपनी टीम के लिए, 32 रन बनाए। उसके बाद में करण ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, एक चौका दबा अपनी टीम के लिए, अब बने रन का संख्या यहाँ पर बन चुकी है 45 रन बन चुके। जीत के लिए अब 16 रन की आवश्यकता होगी, 11 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाते हुए अडबिली टीम, गेंदबाज तैयार, पीछे एक बार अनिकेत साइकिल के ऊपर करण भाने, फुल टॉस गेंद सामने की तरफ, खेला खिलाड़ी वहां पर मौजूद और अच्छी कैच लेगी बल्लेबाज, करण को लौटना पड़ेगा और एक झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करते हुए अडबिली टीम को बल्लेबाज आउट। बल्लेबाज आउट हुए यहाँ पर, करण माने आउट होते हुए, टीम को जीतने के लिए चाहिए 10 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। अभी भी यहाँ पर वक्त गया नहीं, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं एक ही कहना चाहूंगा बिल्कुल आपको, इस बार विकेट चटकानी पड़ेंगी, दबाव लाना पड़ेगा, सिंगल डबल भी बचाने पड़ेंगे और डॉट बॉल ज्यादा से ज्यादा फेंकनी पड़ेंगी, मुकाबले में वापसी करनी है तो। राउंड द विकेट, इस बार कल्पेश आते हुए नए बल्लेबाज और गेंद जाते भी ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर, अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम का स्कोर बनेगा 46 रन बन चुके। जीत के लिए आप 15 रन की आवश्यकता आने वाली 10 गेंदों के ऊपर। कल्पेश भाने आते हुए नए बल्लेबाज, बिल्कुल इस बार रखेला अक्षर कबर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे तब तक 2 रन का मुजाफा होता हुआ। तीसरे रन की कोशिश की और लौटना पड़ेगा कल्पेश को, आवश्यकता नहीं थी, लालच की और लालच बुरी बला है दोस्तों, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज कल्पेश भाने को और एक बल्लेबाज के पारी का अंत। कल्पेश भाने को हेड पर आउट होना पड़ा। अब यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे, बल्लेबाज के लिए योगेश आते भी नए बल्लेबाज। जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता आने वाली 9 गेंदे के ऊपर। सेकंड के ऊपर बल्लेबाज यहां पर अभी भी होंगे अजय पाटिल ऑन साइड, भारत के बल्लेबाज
क्षमता है उन्हें भी बड़े शॉट लगाने की, लेकिन इस बार बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं है। 9 गेंदे बचे, 13 रन की आवश्यकता है। एकांत बड़ा शॉट आता है तो मुकाबले में फिर से एक बार आगे यहाँ पर जा सकती है बिल्कुल अड़बड़ी टीम। उल्टास गेंद थी, संपर्क नहीं बना पाए, गेंद जाते भी गली के क्षेत्र में, मिलेगा यहाँ पर मैच एक रन। बढ़िया वापसी गेंदबाज वहां पर, अब देख रहे अनिकेत के माध्यम से, मैंने पहले कहा जब से इस मुकाबले में आपको वापसी करने मुकाबला कर जाना है तो आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे, सिंगल डबल बचाने और आपको डॉट बॉल भी यहां पर फेंकने पड़ेंगे। दबाव लाना पड़ेगा बल्लेबाज के ऊपर, प्रेशर लाना पड़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। साइक रोटेड भी स्टार्टिंग में ऊपर आते भाई, योगेश पहली बार सामना करेंगे बिल्कुल अनिकेत की गेंद का। टीम के लिए जीत के लिए चाहिए अभी भी आने वाली 8 गेंदे और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 12 रन की आवश्यकता होगी। तैयार गेंदबाज सामने की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद जाते भी पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया वापसी और यहां पर ओवर नंबर 5 गेंदे पे की गई अंपायर आखिरी की गेंद शेष है बिल्कुल। ओवर नंबर 3 शुरू है मैदान के ऊपर, आने वाली 7 गेंदे और 11 रन की अभी भी आवश्यकता होगी। यदि आने वाली गेंद डॉट पे की जाती है तो मुकाबला थोड़ा सा यहां पर बैलेंस दिखाई देगा आखिरी की ओवर में, लेकिन क्या डॉट गेंद पे देखेंगे अपनी टीम के लिए गेंदबाज अनिकेत, ये बड़ा सवाल मैदान के ऊपर। और द विकेट उल्टा से भी से एक बार परख नहीं पाए, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को और एक बल्लेबाज के बाहर गेंद, अब की बार अजय आउट हो चुके और अब मुकाबला दोस्तों आखिरी की ओवर में आता बा, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छी शुरुआत की थी बल्लेबाज कहते हुए विजय पवार ने, उसके बाद में करण आउट हुए, विजय आउट हुए, कल्पेश भी आउट हुए और लगातार विकेट का सिलसिला आम शुरू होता बा। अब अजय को भी लौटना पड़ा और जीत के लिए चाहिए 6 गेंदे और 11 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 11 का समीकरण मैदान के ऊपर होगा। ठीक है, समाज आखिरी गेंदबाज आते हुए बिल्कुल आप कौन ना जीतेगा इस मुकाबले को। मुकाबला दोस्तों बहुत ही बड़ा होता था जिस बल्लेबाजी करते हुए यहां पर विजय पवार ने पहले ओवर में 32 रन बनाए थे, लेकिन अब यहां पर लगातार विकेट का सिलसिला शुरू होता था। अब मुकाबला आखिरी की क्षण तो गया है, आखिरी गेंदबाज जिनके ऊपर भरोसा रखा गया है देवेंद्र के ऊपर भरोसा रखा है, लेकिन भरोसा कायम रखेंगे क्या आखिरी ओवर तक। ओवर द विकेट पहली गेंद अच्छी डिलीवरी की, गेंद जाते भी सीधा ऑप्शन से विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल की समाप्ति होती भी। बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर होंगे योगेश, ऑन स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक के ऊपर पप्पू होंगे, भरोसा रखा गया यहां पर गेंदबाज देवेंद्र के ऊपर। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, लोग आज भी पूछते हैं पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता, लेकिन भरोसा रखा देवेंद्र के ऊपर और अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार दूसरी गेंद उठाते हुए। क्या क्रिकेट है दोस्तों, बिल्कुल अब मुकाबला दोस्तों रैपिड टाइप में चलता था। 4 गेंदे और अब जीत के लिए बनाने पड़ेंगे कंपल्सरी 11 रन। यदि आने वाली गेंद भी डॉट जाती है, आने वाली गेंद पे सिंगल आती है तो मुकाबला दोस्तों अभी भी बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, और बड़ी शॉट आती है तो मुकाबला फिर से एक बार खुला हो जाएगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार अंपायर का इशारा था वाइड बॉल, अतिरिक्त रन खर्च किया, इसकी आवश्यकता नहीं है दांतीबली टीम को, और टीम का स्कोर बनेगा इसी एक रन की मदद से 51। 51 रन बन चुके हैं, आप जीत के लिए चाहिए बच्ची भी 4 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ ना दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है। हौसला किसका बुलंद होगा, गेंदबाज या बल्लेबाज का, लेकिन हौसलों से यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बढ़िया वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए। अब मुकाबला दोस्तों बैलेंस होता था, बची भी 3 गेंदे और जीत के लिए बनाने पड़ेंगे रुद्र 11 रणवीर 11 अडबली टीम को 3 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज के पारिकांत डीज है
दोस्तों मैदान के ऊपर आप रोमते खड़े करने वाला मुकाबला मैदान के ऊपर, कौन जीतेगा यहाँ पर इस मुकाबले को। और दो विकेट, अच्छी गेंद पीछे एक बार, और यहाँ पर बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा, लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, और गेंद भी जाती भी डॉट। अब दो गेंदे और जीत के 10 रन की आवश्यकता। क्या जबरदस्त वापसी की गेंदबाज यहाँ पर देवेंद्र ने। मैंने पहले कहा था जिसके ऊपर भरोसा रखा गया कि आखिरी की क्षण तक भरोसा कायम रखेंगे, और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए देवेंद्र। अब मुकाबला कौन जीतेगा दोस्तों, जहांबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ मुकाबला। मैंने पहले कहा दोस्तों क्रिकेट है दोस्तों, कभी किसी को हंसाएगा तो कभी किसी को रुला भी सकता है, ऐसा क्रिकेट का खेल है दोस्तों। बिल्कुल क्रिकेट की तरह रंग बदलना वाले क्रिकेट मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं। अब मुकाबला कौन जीतेगा, प्रेशर ऑन दी बैट्समैन, पूरी तरह से यहां पर बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर। एक आध बड़ा शॉट आता है तो मुकाबले में वापसी करेगी आरडब्ल्यू टीम। अच्छी गेंद और फिर से एक बार डॉट बॉल, क्या मुकाबला दोस्तों। और अब एक गेंद और 10 रन की आवश्यकता, क्या वापसी की। मुकाबले को थोड़ा सा रुका दिया जाए, अंपायर से विनती करूंगा थोड़ा सा मुकाबला रुकाइए, आप 2 मिनट के लिए मुकाबला रुकाइए प्लीज। टीम दोस्तों किसी को यकीन नहीं होगा, बिल्कुल यहां पर पहली ओवर में 32 रन आए, उसके बाद में 9 रन आए, और तीसरी ओवर में अनिकेत ने टर्निंग पॉइंट ओवर फेंका। विजय पवार आउट होने के बाद, करण भाणिया आउट होने के बाद लगातार विकेट का सिलसिला शुरू हुआ, और आखिरी की ओवर में यह शानदार गेंदबाजी की यहां पर देवेंद्र ने, सिर्फ 1 रन खर्च किया वो भी आंतरिक स्वरूप से, और मुकाबले को जीता यहां पर जय हनुमान दादी ने टीम ने। हार्ड लक रुद्र 11, रणबीर 11, आरबी टीम डीज है।